Students, welcome to my channel Excellent Bio. Today I will discuss the final expected cutoff of NEET 2021. इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और जो हमारा चैनल में नया हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा NEET 2021 का जो कटऑफ है वो हम कुछ टॉपिक के बेस से किया है, जैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल। हमारा दो और तीन मंथ पहले हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न जो चेंज हुआ वो हमारा जो नीट का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ में कोई फर्क ले आया या नहीं, और टोटल सीट और 2021 से अगर हम कंपेयर करें तो 2021 में कट ऑफ हाई होगा या लो। इसी के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जिसका नंबर 200 से 400 के बीच रहेगा उसको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो फर्स्ट नीट 2021 का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ हम जिस चीज़ से बेस से किया है वो है फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो। हमारा जो नीट का जो क्वेश्चन पेपर था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, मेरा मानना है कि फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था, तो इसलिए हमारा पिछले साल जो कट ऑफ था उससे 5 to 6 नंबर कम होगा मैं ये मानता हूँ। और पेपर पैटर्न हमारा 3 मंथ पहले हमारा जो नीट का जो पेपर पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज हुआ, तो मेरा मानना है कि वो जो पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ वो नीट का जो कट ऑफ है उसमें कोई फर्क नहीं लाएगा। और टोटल सीट कितना है इससे मेरा एक वीडियो है और हमारा चैनल में जाके जरूर देख लेना। और अगर हम 2020 और 2021 का कट ऑफ अगर हम कंपेयर करें तो 2020 से मेरा मानना है कि 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा सा टफ था, तो इसलिए 2021 में 2020 से कट ऑफ थोड़ा सा लो होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2021 में कट ऑफ कितना होगा। मेरा मानना है कि जनरल का जो कट ऑफ है वो होगा 580 to 590, ओबीसी का होगा 570 to 580, एससी का 490 to 500 और एसटी का 470 to 480। और जिस स्टूडेंट का नंबर 200 से 400 के बीच रहेगा मेरा मानना है कि उसको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो बीएएमएस और बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो